मैं सही टाइम पे भाई रिटायर भी हो जाऊंगा मैं बहुत सही टाइम पे बंद कर दूंगा सारी दुकान और मेरी फिर दूसरी दुकान शुरू होगी जो कि आने वाली पीढ़ी को सिखाने की जैसे कुछ-कुछ तो इंडिया का पहला लव सॉन्ग जो की वन बिलियन गया है हर शादी में वो गाना प्ले हुआ मिले हो तुम हमको उस आर्टिस्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो क्रिंज आर्टिस्ट वो जगराते जो बचपन में किए वो नुसरत साहब को जो सुना लता जी को जो सुना वो जित जो भी हमारा वो म्यूजिक बैकग्राउंड रहा है ना वो उतना आसान गाने बनाने के लिए भी उतना गहरा म्यूजिक सुन के आए हैं इसके लिए इतना वो एफर्टलेसली हो रहा है वरना कभी भी नहीं होगा मुझे तो पता है मैं जब भी आऊँगा मैं दिल जीत के चले जाऊँगा प्लीज मैं चीज़ ही ऐसी हूँ इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी और एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि मैंने 2014 में भी नंबर वन गाना दिया मैंने 2024 में भी नंबर वन गाना दिया है आप देखो मेरा तो पूरा करियर ही बॉलीवुड के बिना ऑलमोस्ट बना है वैसे मैं थोड़ा अनल रहा हूँ कि मुझे तो शाहरुख खान का चेहरा नहीं मिला मेरे गानों पे। कुछ सपने अधूरे रहना बहुत अच्छी बात है तो वो आपको जीने का मकसद देते हैं ये मैं अधूरा ही रखना चाहता हूँ ही फैंडम चला जाएगा जैसे ही आपका यूथ गया आप वो ये कूलनेस गई तो फिर आपका वो ना आपका वो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ना वो आपको लेबल्स काम दे रहे हैं तो फिर क्या करोगे दैट इज ओके टू हैव हैव बैड डेज टू यू नो डेज वैन यू फील कि उठना नहीं है आज पड़े रहने अब बिस्तर पर काम तो वो भी ठीक हैहा कोबरेटिंग विद अनदर बिग फीमेल सिंगर नेवर है डोंट फॉलो इच अदर क्या बात करते हो आप एन यू सीन नेहा नेहा टेलिंग पब्लिकली आई एम अ फैन ऑफ दिस गर्ल दैट गर्ल बट उनको पता नहीं क्या इश्यूज दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द म्यूज़िक पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो कमाल के इंसान हैं आप में से कुछ लोग उनको बहुत पसंद करते हैं आप में से कुछ लोग पसंद नहीं भी कर सकते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते उन्होंने यूट्यूब इंस्टाग्राम और स्पॉटीफाई के ज़माने में आज के दिन हम म्यूज़िक को जनरली इन तीन प्लेटफॉर्म या अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सक्सेस से ही मापते हैं और उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ व्यूज और स्ट्रीम्स की है उनके कॉन्टेंट ने और जितने भी प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले रहा हूँ उन सारे प्लेटफॉर्म पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी है उन्होंने एक बार नहीं दो बार एक सक्सेसफुल म्यूजिक लेबल को फाउंड किया है पहला किया दोबारा भी रिसेंटली किया गाते हैं कंपोज करते हैं लिखते हैं शोज करते हैं और उनका एक इंडिपेंडेंट अलग स्टाइल है सो so, ऐसे ही एक टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ आज, आज आपको मिलवाते हैं द म्यूजिक पॉडकास्ट में और लेट्स वेलकम टोनी कक्कड़

जैसे दिखते हो आप जैसे बात करते हो आप जैसी जो भी शख्सियत लोग आपको परसीव करते हैं वो आप कभी भी नहीं आइडिया लगा सकते मेरे लिए कोई बहुत खूबसूरत होता है और वो शायद असलियत में खूबसूरत ना हो और मेरे लिए कोई उतना खूबसूरत नहीं होता शायद वो असली में बहुत खूबसूरत हो तो अब सामने वाले के ऊपर है कि उसकी परसेप्शन क्या है मुझे अच्छा मुझे सच में आज तक किसी ने इतना कन्विंस करके आंसर ही नहीं दिया कि तेरी ऐसी शख्सियत है मेरे को कन्फ्यूज आंसर ही मिला है हमेशा कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है मे बी आई डोंट नो सो मतलब मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ फैंस की जो इंटरेक्शन देखता हूँ मेरे ख्याल से एवरी ट्रीट्स यू एज अ हिट मशीन कि आप लोगों के नब्स को पकड़ते हो नब्स को जानते हो और बोलते हैं ना दुनिया हमारे देश में दो देश है एक इंडिया और एक भारत जी अब कुछ जो हमारे देश के लोग हैं वो बड़े शहरों में रहते हैं और थोड़े से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं यू नो ब्रांडेड चीजों को यूज करते हैं बट जो हमारा मेन देश है जहाँ पे अस्सी नब्बे सौ करोड़ लोग हैं वो लोग आज भी मतलब बहुत ही सादगी वाली जिंदगी जीते उनके इमोशंस बहुत सिंपल है तो आप उनके इमोशंस को समझते हो uh, सही जगह हिट करते हो और आप गाने वैसे बनाते हो कंटेंट वैसे बनाते हो जो उनको समझ में आए उनको कनेक्ट करे और उनके लिए एक एस्पायरिंग लाइफस्टाइल हो दिस इज व्हाट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम दी रिसर्च आई हैव डन बट एज एन इंसान एज अन बींग आप वैसे तो नहीं जी सकते चौबीस घंटे uh, Okay. तो मैं रियल टोनी कक्कड़ को जानना चाहता हूँ रियल टोनी कक्कड़ कौन है रियल टोनी कक्कड़ वो है जो जिसको ये अच्छा लगेगा कि वो लाइनों में खड़ा हो जब आप जब मैं स्टारबक्स पे जाता हूँ या मैं किधर भी जाता हूँ किधर भी तो मुझे आई मुझे एयरपोर्ट क्यूज और वो सब बड़ा अच्छा लगता है कि एक आम इंसान की तरह आपको मास्क लगा लो आप अपने मतलब अपने आप आम होने चाहिए आप आपका काम है वो एक परसेप्शन बनाना एक अपना गाना हिट करने के लिए इंसान यू नो महंगे कपड़े महंगे जूते वो सब पहनता तो है उसके अलावा बिल्कुल आम होना चाहिए बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब ये सब चला जाएगा ना तब फिर आप वो लाइफ सस्टेन नहीं कर पाओगे बिकॉज और मेन पर्पज़ तो ज़िंदगी जीना है मुझे मेरा सब मेरे लिए ज़िंदगी पहले है कोई मैं कला का दीवाना तो हूँ डेफिनेटली वो मैं काम करता हूँ मेरी आर्ट फॉर्म को बहुत प्यार करता हूँ पर मेरे लिए सबसे पहला है जिंदगी जीना वो 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 जिंदगी तभी जी जाएगी जब वो जितनी सादगी से से और आसानी से और आसानी जैसी वो है तो मैं आपसे ना बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल पूछना चाहता हूं। जी क्योंकि जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल होता है जी तो बहुत लोग उस सक्सेस को पसंद करते हैं बहुत लोग सक्सेस से जेलस भी फील करते हैं और हर बार लोग ट्रेंड चेंज होता है हर पांच साल में जब पहले रैप भी आया था तो बहुत लोग रैपर्स को शायद इतना आर्टिस्ट नहीं मानते थे है ना उसके बाद में रैप और लोग पसंद करते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछना चाहता हूँ जो शायद पहले किसी ने पूछे भी होंगे या नहीं पूछे होंगे पहला है की आपके बहुत सारे गाने हैं कांटा लगा इट्स वन ऑफ वेरी बिग सॉन्ग धीमे धीमे कोका कोला और बहुत सारे गाने इन सारे गानों में ना सबका ये है कि आप लिरिकली जी आप एक ही वर्ड को काफी बार यूज करते हैं रिपीट हो। करते हैं जी और ज्यादा मीनिंग नहीं होता उस जी, पूरी जी, फ्रेज का बट दैट वर्क्स फॉर यू राइट सो हैव यू फाउंड दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मूला व्हिच काइंड ऑफ वर्क्स फॉर यू कि यार ज्यादा दिमाग क्यों लगाना जो फॉर्मूला काम कर रहा है तो उसको यूज करो और व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दैट भाई चक्कर क्या है कि जब आप कोई भी आ, काम करते हैं किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं आ, अब ये म्यूज़िक बनाना भी एक बात के बाद जब आपको आप का ब्रेक मिल जाता है ना मैं बताऊँ उसके बाद हर आर्टिस्ट सुपर हिट तलाशता है फिर उसको वो है कि वो वो नंबर जो उसको उस गाने पे मिला था जिससे वो डिस्कवर हुआ वो नंबर वो हिट करे अब वो नंबर हिट करने के लिए आ, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं पर मुझे ये लगता है कि एक जो जो सॉन्ग क्रिएटर होता है जैसे कि मैं गाने अपने हेड टू टो कंप्लीटली सब कुछ मैं करता हूँ करते करते भी 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 गाते गाते हाँ म्यूजिक प्रोड्यूस भी, भी, भी सारे ही मैंने किया मोस्टली नाइन्टी तो उसमें क्या होता है कि जब आपको वो लगता है कि अब ये पैसा बनाने लग गया इस तरह का म्यूजिक वर्सेस एक ऐसा म्यूज़िक जैसा आप चाहते हो जो सुन सुन के आप बड़े हो जिस म्यूजिक को आप बहुत अप्रिशिएट करते हो उसका परफॉर्मेंस जब आप देखते हो और फिर देखो हर किसी का घर चलना वो जिसमें वो कैमरा पर्सन भी है आपका एक्टर्स भी हैं आप उन सब की अपनी लाइफ है आप देखें शोना शोना जो हमने गाना किया इतना मेजर हिट है यही गाना मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बट बात यह कि सिद्धार्थ शुक्ला ने और भी गाने किए जो कि शायद आप उनको और वैसे पसंद कर सकते हैं या वैसे बोल सकते हैं ये गाना अच्छा है या ये तारीफ पाने वाला गाना है बट शोना शो हिट हुआ बिकॉज जनता भी वो चाहती है जनता उस चीज़ को और आगे बढ़ाती है उस चीज़ से और पैसा आता है और लोगों को खुशियाँ मिलती हैं पैसा आता है तो लोग कुछ परचेज कर पाते हैं लोग घूम पाते हैं फिर पा, पा, मतलब ये सब मैं इंडस्ट्री की अपनी बात कर रहा हूँ करेक्ट करेक्ट तो उससे उनको खुशी मिलती है आज मैं अगर कुछ मेहनत करता हूँ तो मैं बचपन से देख का देखता आया हूँ कि वो जो सक्सेसफुल इंसान है वो रोलेक्स पहनता है तो मेरे को वो खरीदनी है ना वो कैसे मिलेगी एक आर्ट आर्ट बनानी है तो आर्ट तो मैं बहुत सारे गाने ऐसे बनाए हुए हैं जो मैं कभी रिलीज़ नहीं करूंगा पर मैं वो सुन के मैं बोलता हूँ टोनी यू आर अ लेजेंड वो मैं सुन अपने डेमो ही सुनता हूँ पर उनको कोई रिलीज ही नहीं करता कोई प्रोड्यूसर नहीं लेता कोई यू you नो know, जब हम अभी लेबल भी बनाया हमने देसी म्यूजिक फैक्ट्री तो उसमें भी फिर इवेंचुअली तो सक्सेस पर ही बात आ गई ना कि हम कितना पैसा बना रहे हैं कितना प्रॉफिट बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें अलग हैं अगर सक्सेस मिलती है तो करते रहना चाहिए बिकॉज एक इंसान की सक्सेस से बहुत लोगों का घर भी चलता है तो दैट्स फाइन उसमें बुराई क्या है अगर पैसा बन रहा है तो भले देखिए तारीफ तो मैं तारीफ तो जिसने मेरी करनी है वो मैं जब उसको एक मिलूंगा और एक प्यार से नमस्ते भी करूंगा ना वो उसने मेरी तारीफ कर देनी क्योंकि वो मेरी शख्सियत पहचान जाएगा जिसने तारीफ़ नहीं करनी उससे आप ऑस्कर लेने के बाद भी तारीफ़ नहीं करवा सकते हो तो मुझे किसी की तारीफ तो वैसे भी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं खुश रहूं मेरे आसपास के लोग खुश रहे और जो एक मिशन लेके आया हूं बिकॉज बहुत अन बहुत ही हमने ख़राब वक्त देखा है जब हम बचपन में हमारा जितना हुआ तो हमारे लिए सक्सेस मायने रखती है हमारे लिए पैसा मायने रखता है तो इसके लिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब हंड्रेड मिलियन होता है टू मिलियन होता है फाइव मिलियन होता है वन बिलियन होता है तो इसके लिए मैं बनाता हूँ वो गाने क्योंकि वो गानों पर बहुत ट्रैफिक आता है बहुत और एक्चुअली आपके एक 1 बिलियन के भी गाने हैं जी जी और 500 मिलियन के भी तीन चार गाने हैं उससे 500 से ज्यादा 700 800 मिलियन के गाने हैं और 100 मिलियन से ज्यादा तो कुछ 15 बीस गाने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी जी और वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हाँ हाँ मतलब वैसे अगर वो आप यार स्टिक बोलते हैं तो uh, तो काफी सारे मैं सिर्फ youtube की बात कर रहा हूं जी जी मैं 45 पे भी और होंगे और instagram पे तो रील्स पे तो आजकल uh, बहुत सारे बहुत, बहुत सारे नंबर्स होंगे तो आपके गाने हैं अभी जैसे हम जब छोटे थे आज से 20 साल पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो सिंगर्स जो है वो लाइव रिकॉर्ड करते थे लाइव गाते थे अब टेक्नोलॉजी आई है तो हम लोग ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं अब तो एआई भी आ गई है। right. और ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं जो वेस्ट में भी हैं, जो इंडिया right. में भी हैं, जो लाइव में शायद उतना अच्छा नहीं गाते करेक्ट। आपके भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते कि आ, में ऐसे right. गाते हैं कि या व्हाट इज थिंग आपके हिसाब से ऑटोट्यून uh, सही है गलत है हाउ डू यू यूज इट एंड वट इज यस्पेक्टिव ऑन दैट जस्ट सिंपल मुझे क्या लगता है कि भाई बहुत ही टॉपिक है ये ट्यून का और इनफैक्ट गायकी का भी बहुत ही मतलब यहाँ क्या है ना यहाँ आर्टिस्ट तो कोई बनता नहीं है हिंदुस्तान में या तो कोई सिंगर है या फिर तो कोई कंपोज़र है कोई जो कंप्लीट आर्टिस्ट होने का कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्ट में बहुत यू नो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको शायद बहुत अच्छा गाना ना आता हो पर फिर भी वो बहुत बड़े हैं तो ऑटो ट्यून ने हेल्प तो किया है कि आप अपना एक्सप्रेशन बाहर रख सकते हो अच्छा मेरा क्या था मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मैंने तो बनना ही कंपोज़र था बिकॉज वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरे को ज़्यादा गाने लिखने थे बिकॉज मैं लिख पाता था मैं वो बड़े गाने बना सकता था क्योंकि लोग सुनते थे और बोलते थे तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ था तो मैं हर वक्त एक तो इंसान हर दो साल में मैं इंसान बदल जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है जो और शायद लोग भी ऐसे ही होते हैं, है ना? <laughs> <laughs> मैं जो 2012 में था वो 14 में कुछ और था 16 में कुछ <laughs> और था, <दाटरा> में कुछ <laughs> ऐसे दो दो साल में मैं इंसान बदलता रहता हूँ तो, मेरा कंसंट्रेशन था कि मैं सिर्फ गाने बनाऊंगा अच्छा कोका कोला मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे डाल दिया बिकॉज वो देसी म्यूजिक फैक्ट्री बना ली थी तो वहां तो अपने आप में दो हजार में तो फिर ये था कि चलो ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं मन में है कि ठीक है मेन स्ट्रीम खुद भी आते हैं स्क्रीन पे वो यू नो बड़े हुए थे सब तो पॉप स्टार्स को देखते देखते ठीक है टेक्नोलॉजी आई गई है थोड़ा गा के डाल देते हैं क्योंकि इतना बुरा नहीं गाता था कि रिलीज ना कर पाऊँ गाने क्योंकि उसमें भी फर्क होता है करेक्ट कि इतना तो आप गा पाओ कि आप वो कैटेगरी में कि सॉन्ग परफॉर्म कर पाओ वो तो मैंने कोका कोला रिलीज़ किया पर उसके बाद से भाई फिर मेरा कॉन्सलट्रेशन गायकी पे आ गया तो तब से मैं रियाज कर रहा हूँ आई एम मच बेटर सिंगर नाउ जैसे बहुत सारे सिंगर्स पहले मतलब यू नो आई नो पीपल विल डिस मैं नाम नहीं लूंगा किसी का बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने जब शुरू किया था वो नॉन सिंगर्स थे पर आज वो बहुत अच्छे सिंगर हैं क्योंकि उन्होंने रियाज़ कर कर, कर कर के करके अपने आप को बहुत बेहतर कर लिया है तो मैंने 2018 से फिर रियाज़ करना शुरू किया गाना शुरू किया आई फील नाउ आई एम अ गुड सिंगर तो वो आने वाले गानों में पता भी चलेगा और वो एक सोज एक समझ से पता चल जाता है और ये जो भी लोग हैं जो ऑटो ट्यून और इसको लेके में मुझको या बहुत बाकी सबको ट्रोल करते हैं बाक़ियों का मुझे पता नहीं बाकी तो शायद लेजेड कंटेंडर हो सकते हैं उस हेट के बट आई एम नॉट बिकॉज आई एम मच बेटर नाउ पहले मैं था पहले मैं आई डोंट नो पहले कुछ तरह के गाने अच्छे गा लेता था ये ये शुरू से बात है कि कुछ तरह के गाने अच्छे गा लेता था पर कुछ तरह के गाने नहीं गा पाता था तो उनके लिए ऑटो ट्यून थोड़ा और वैसे भी मैं डांस नंबर्स में ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो मैं आ, कभी भी बैलेट्स में लव सॉन्ग्स में वहाँ ट्यून आपको नज़र ही नहीं आएगा वो तो सिर्फ इतना मेनटेन करने के लिए रखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है उसके साथ वो आपका फ्रिक्वेंसी मैच करे पहले मैंने कभी भी हैवीली तो यूज़ किया ही नहीं है कभी भी बैलेट्स में लव सॉन्ग्स में मैंने हमेशा हैवीली यूज़ किया है डांस uh, नंबर्स में बिकॉज मुझे उसका साउंड पसंद है करक्ट तो वो साउंड से आपको प्यार हो जाता है और वो मेरी पहचान भी बन गई थी फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस आवाज़ को चेंज करके अगर वही एक आवाज़ टोनी कक्कर की विद ऑटो ट्यून इन डांस नंबर्स एंड विदाउट ऑटो ट्यून थोड़ा तो फर्क आएगा ही आएगा बिकॉज थोड़ी वो मकैनिकल कर देता है और जब सब लोग बात रहे यूज़ करने की तो वो तो भाई सबको ही लगता है वो तो फिर जब यू नो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर जो कि बॉलीवुड में अभी गा रहे हैं उनको भी ऑटो ट्यून लगाते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है है उस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से तो फिर फिर हम क्या एक्चुअली आए थे पॉडकास्ट और, तो uh, और भी किसी uh, आर्टिस्ट ने ये बात बोली थी कि जी. वेस्ट में ना जैसे आपने बोला इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन होते तो सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट तो किसी की स्ट्रेंथ होती है लिरिक्स करेक्ट कि वो लिरिक्स में बहुत अच्छा है कंपोजर और सिंगर लिरिक्स जितना नहीं है थोड़ा सा कम है hmm. किसी की स्ट्रेंथ होती है कि वो सिंगर बहुत अच्छा है बट कंपोजिशन right. थोड़ी सी वीक है लिरिक्स थोड़ा सा वीक है right. किसी की होती है कि यार लिरिक्स कंपोजिशन बहुत अच्छी है बट अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आप फाइनल प्रोडक्ट जो दे रहे हो hmm. वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है और uh, क्योंकि हमको फिल्मों की आदत है फिल्मों right. का हमारा कल्चर है right. तो हमारा जो बेंच है Right. वो बेंचमार्क थोड़ा सा अलग है right. कि हमको परफेक्शन right. uh, सुनना है right. तो अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जैसे थे पॉडकास्ट पे अच्छा। अब ने बोला कि यार मैं सिर्फ गिटार बजाना आता है मुझे वो भी ठीक ठाक राइट right. मैं मजा हुआ गिटारिस्ट नहीं हूँ right. मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी नहीं ली right. है और वो गिटार पे अकेले गाने गाते हैं बट उनकी जो वॉइस है जो फीलिंग है वो लोगों तक कनेक्ट होती है तो अल्टीमेटली बात यह है कि आप जो बना रहे हो वो लोगों तक कनेक्ट हो रहा है नहीं और मैं झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि यार ये जो आप आवाज सुन रहे हो ऑडियो पे ये मेरी लाइव वॉइस है ये तो आपने कभी बोला नहीं है तो इट्स ऑल फेयर यू नो टिल द टाइम हाउ पीपल लाइक इट बट मेरे को ना बहुत सारे लोग अभी ना मिलते हैं आर्टिस्ट सबको शॉर्टकट चाहिए हंड्रेड मिलियन दो सौ मिलियन पांच सौ मिलियन पे आने का सबको पता करना है कि पांच मिलियन फॉलोअर्स दस मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कैसे होंगे राइट right. 25 पे मेरे मिलियंस ऑफ मंथली लिसनर कैसे होंगे और सब शायद इसी की तलाश कर रहे हैं आपने वो नेविगेट किया है जी आपने वो सक्सेसफुली नेविगेट किया है और शायद बिना किसी के सपोर्ट के किया है आपका सावन आया है फर्स्ट uh, कंपोजिशन था जो सक्सेसफुल हुआ था फिल्म में uh, उसके बाद मैंने जब आपका करियर ग्राफ देखा तो आपको फिल्मों के बहुत काम नहीं है बहुत लिमिटेड काम है हम्म हम्म और उसके बाद भी जब आपके इंडिपेंडेंट गाने हिट हुए उन गानों को वापस फिल्मों में लिया गया है, और वो गाने और भी बड़े बने बड़े बने राइट तो आपने सक्सेसफुली ये सारा नेविगेट किया तो अगर मैं एक अपकमिंग म्यूजिशियन हूँ, और मैं अगर आपसे पूछूं कि सर कोई मंत्रा है क्या कि अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूं या आपने किया था तो कैसे किया था आप कुछ बता सकते हो मुझे आ, दो तीन चीजें हैं जैसे कि आप दो तीन एस्पेक्ट्स ही हैं जैसे सिंगर है तो सबके लिए एक एक एक-एक लाइन बोलूँगा अगर कोई सिंगर है तो अगर जो जिनको सिर्फ सिंगिंग आती है तो फिर वो इतने अच्छे सिंगर बने कि उनको कोई रिप्लेस ना कर पाए जैसे अरिजीत सिंह हैं उनको आप कोई रिप्लेस नहीं कर सकता वो मतलब आप बोलते डिवाइन यू नो मतलब वो दिव्य हैं वो उनमें एक पावर है बिकॉज सीखे हुए इतना ज़्यादा है अगर आप लेसिस बन रहे हैं तो इतने अच्छे लेरेसिस बन जाएं कि तो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है और जब आप बोलते हैं कि अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट नेम आपका हो आप खुद यू नो म्यूजिक वीडियोस में या पॉप स्टार बने तो उसके लिए फिर आपको सब कुछ आना पड़ेगा मुझे आज तक लगा है दुनिया में कि हमेशा से एक दो एक्सेप्शंस होंगी पर हमेशा से प्रोडक्ट ही चला है आर्टिस्ट नहीं चलता है प्रोडक्ट ज़्यादा बड़ा होता है आर्टिस्ट से क्रिएशन में ज्यादा ध्यान दें आई थिंक दैट्स दूला और जब हम कंटेंट आपने लेबल चलाया है और अभी आपने एक नया लेबल भी खोला है पोलिटिकल हैबिट जी तो लेबल्स पे जो हम देखते हैं क्योंकि बीच में एक बेंचमार्क था कि कितने मिलियन व्यूज और उसी से दुनिया चलती थी अभी भी मेरे ख्याल से वो स्ट्रीम्स पे आ गया है कि स्ट्रीम्स का काउंट करते हैं लोग तो ये जितने भी हम व्यूज और स्ट्रीम देखते हैं क्या उसमें मार्केटिंग लगती है या मार्केटिंग नहीं लगती है आप ये थोड़ा सा मतलब इसका सीधा जवाब नहीं मार्केटिंग मैं आपको बताऊं ये एक पल्स की बात होती है जैसे अगर उस गाने में भी गाने की अपनी एक पल्स है और वो मतलब उसको इन सिंक विद ऑडियंस होना पड़ेगा अगर गाना इतना रिलेटेबल है और गाना तो फिर कई मोस्ट ऑफ द टाइम ज़रूरत नहीं लगती है मार्केटिंग की हाँ वो हेल्प जरूर करता है गाने को पहुंचने में इनिशियल रीच इनिशियल रीच के लिए हो सकता है बाकी मुझे नहीं लगता कि मार्केटिंग की उतनी जरूरत पड़ती है मैं आपको आई कैन यू नो ऑफ कैमरा और इवन ऑन कैमरा आई डोंट नो आई कैन शो यू द नंबर्स हमने आज तक देसी म्यूजिक फैक्ट्री पे मेरे जितने गाने हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक व्यूज हैं उसमें कभी भी हमने एड यूट्यूब कभी नहीं खरीदा और ये मैं you know, यू नो बहुत बढ़िया अब आप देखें ये मिले हो तुम मिले हो तुम तो नेहा और मैं oh, एक छोटा सा 1. वीडियो व्यूज है आप खरीद सकते हो सौ मिलियन व्यूज तक खरीद सकते हो उतनी इंडियन आर्टिस्ट की कैपेसिटी है उससे ज्यादा उसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के इतना रिच कोई आर्टिस्ट है ही नहीं तो मतलब मैं मानता हूँ वो व्यूज भी आप माइनस कर दो फिर भी बिलियंस में व्यूज आए हैं तो वो गाने की वजह से ही आए हैं और वरना कैसे कहानी सुनो इतना बड़ा हो जाता है वो इसलिए क्योंकि जनता कनेक्ट करती है पसूरी आई डोंट थिंक पसूरी पे उन्होंने ऐड डाला होगा हाँ ज़रूर वो है कि वो कोक स्टूडियो का उनको मंच मिला बट उसके अलावा गाने की खुद में बात होती है गाना खुद पहुँचता है और कोई फॉर्मूला नहीं है हाँ ये हो ये मैं ज़रूर मान सकता हूँ कि कई बार और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि एक डिज़र्विंग गाना उतना नहीं पहुँच पाया क्योंकि उसको शायद मार्केट नहीं कर पाए पर ये कभी भी नहीं हुआ है एट द सेम टाइम ये कभी भी नहीं आएगा कि जो अनडिसर्विंग गाना है वो हिट हो गया हो उसमें कुछ तो बात होती ही होती है पक्का कुछ बात होती है तो लोग यूजुअली इसको आ, सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है तो ये वो अनजान लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है तो वो जाके कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं और फिर दे डोंट नो क्योंकि पता हो तब तो सो बात है और आपने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि सिंगर्स को ज्यादा काम को ज़्यादा मिलता है कंपोजर से द रीज़न ही ट्राइड टू ऐसा लग रहा जैसे इल्जाम लगा रहा हूँ बट इट दिज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कुछ कुछ आपके गाने लॉट ऑफ पीपल से कुछ स्पेसिफिक ब्लैक पिंक आई जेड टेन और उन सब के गाने हैं म्यूजिक हो सकते हैं और वो तो आप देख लो वो तो आप शुरू से निकालो देखो मैं मेरी क्रिएशन पे मैं आज तक मैं बोलता तो, हूँ मेरा एक गाना निकाल के लाओ जो ऐसा लगे कि ये वहाँ से उठाया गया है मैं इतना आ, कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ ये और मैं करता ही नहीं हूँ मैं गाने आपको कभी भी गाने में नहीं मिलेगा मैं कंपोजर हूँ मैं गाने बनाता हूँ मैं गाना नहीं कॉपी कर सकता हाँ म्यूजिक वीडियो कॉपी किया होगा तो बात करें डायरेक्टर से किसने उठा के मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था उन दिनों तो लोग तो आप देखो ना बड़े से बड़े इंसान को भी क्रिटिसाइज करते हो तो उससे उससे फर्क अपने पे लाके अपने को बदलना आई डोंट फील कि वो राइट है और भाई अब तो देखो ए भी आ गया है जी तो बहुत लोग इसको थ्रेट मानते हैं बहुत लोग इसको टूल मानते हैं आपका क्या विचार है ए पे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एआई और मुझे बस ये लगता है कि एआई हेल्प ही करने वाला है पर एआई को uh, एक uh, जैसे यूनिसेफ है ना ऐसे एक बॉडी होनी चाहिए uh, जो कि कंट्रोल करे कर और ये भी इनएविटेबल है कि हम लोग एआई के ही शिकार बनेंगे हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं भाई हम बहुत अभी का सोचते हैं अभी करते है, है, मैं करता हूँ मैंने सारे मैं सबकी सब्सक्रिप्शन ले, ले लेता हूँ मैं बिकॉज मुझे मजा आता है और नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा एक टूल है खेलने के लिए आप जितने भी टूल्स बोलोगे ना जितने भी ये सब आ गए मैंने सबकी सब्सक्रिप्शन ले ली है तो कभी ऐसे मार के देखा है आ, राइट एट ओनी का सॉन्ग हाँ 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 तो आ, तो आता वो आत है। अभी उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हुई है हाँ। अभी चैट जीपीटी की हिंदी उतनी अच्छी नहीं हुई है अब तक तो ठीक हो गई हो मैंने जब शुरू शुरू में आया था तब सर्च किया था राइट अ सॉन्ग

बट दैट ऑल राइट आई आई फील कि ठीक है हमने तो आज तक अभी कोई uh, किसी चीज़ को कंट्रोल किया ही नहीं हमने फ्री फ्लो होने दिया है बिकॉज अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखते रहते हैं ना बहुत सारे लोग बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी ज़िंदगी गवा चुके हैं सिर्फ इसी चक्कर में घूम के घूम के आप तो सबको जानते हो और बहुत क्लोजली जानते हो उनको यही है मेरे लिए ऐसा कॉमेंट कैसा मैंने कहा लिखो जो लिखना है क्या फ़र्क पड़ता है क्या ही तो फ़र्क पड़ता है जब मैं मेरी माँ के साथ मेरी फैमिली के साथ बैठा होता हूँ और पराठा इंजॉय करता हूँ उससे बेटर मोमेंट तो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता ना करेक्ट तो मैं इतनी, इतनी इन चीजों में वो कि उसके लिए हेट कमेंट्स करा दो उसके लिए बहुत सारा तो ये सब भी होता ना भाई, ये नो, ये सब गंदा है ना इंडिया का पहला लव सॉन्ग जो कि वन बिलियन गया है हर शादी में वो गाना प्ले हुआ है मिले हो तुम हमको उस आर्टिस्ट को आप डिस्क्राइब कर रहे हो क्रिंज आर्टिस्ट पॉसिबल है एक्चुअली एक्चुअली इट इट इज माइट बी रिटन बाय समबडी विकिपीडिया पब्लिक प्लेटफार्म है पर ये कैसे है? ये विकिपीडिया ने अप्रूव ही कैसे किया व्हाट इज 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 क्रिंज क्रिंज एवरीथिंग एवरीथिंग क्रिंज ये आपकी परसेप्शन है आप क्या देखते हो वो क्रिंज है आप जब एक ऐसी रील right. देखते हो जिस जिसपे आपको कुछ सीखते हो तो वो आपके लिए लर्निंग है बट उसको ही आप कुछ उल्टा पुल्टा देख रहे हो वो क्रेंज है क्रेंज तो आपका दिमाग है आई फील क्रेंज इज नथिंग बट आप ये ठीक कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन बट आप यू डोंट चूज टू मेक इट राइट हाँ बिकॉज चक्कर क्या है ना कि हम लोग उतने इनसिक्योर नहीं है हमें पता है हमारा टारगेट क्या है ओके मतलब आपने टारगेट की की बात तो मैं आपसे फ्रेंकलीजर टारगेट माई टारगेट इज टू हैीपल टू सेव यू दैट

हाँ वो तो बस मैं ये है कि मैं अच्छे से बैलेंस कर दूं कि मैं इस तरह का भी म्यूज़िक करता हूँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर होता है तो इसकी ज़्यादा बात भी होती है तो उतना ही प्यार मिलता है तो उतना हेट भी मिलेगा वो लाजमी है पर मैं तो अपना काम करके जाऊँ ताकि लोग जब मैं चला जाऊँगा यहाँ से तो लोग देखेंगे जब डिस्कवर करेंगे ना अरे पॉपरे की ये सावन आया टोनी का गाना था खुदा भी जब तुम्हें टोनी का गाना था या एक चांद बड़ा खूबसूरत गाना है वो मैंने बनाया था वो है फिर ज़िंदगी बता दे तो अपने आप वायरल हो गया जब जैसे मैंने बिग बॉस में परफॉर्म किया नाउ जिंदगी तू आना जिंदगी तू आना ही है हाँ नाउ जिंदगी तू आना आप देखो आज भी वो इंस्टाग्राम पे मैंने रिलीज़ किया मेरा तो जान ही नहीं है मेरे मतलब लोगों के लिए फिर भी हम नंबर वन ऑन रील्स गया वो अभी ट्रेंड कर रहा है नंबर वन नंबर वन तो आप सोचते हो कि आपको ना देखो मुझे लगता है कि बंदा इनसिक्योर तब होता है जब उसको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता मुझे तो पता है मैं जब भी आऊंगा मैं दिल जीत के चले जाऊंगा जाऊँगा मैं ही ऐसी हूँ मैंने कभी भी ऐसा कुछ जो जिसका दिल नहीं जीता है उसने मुझे समझा कम है ये ये हिंदुस्तान को आज मैंने स्टेटस लोग लिखते हैं तेरी मोहब्बत से जरा अमीर हो के चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से अरे जिसने लिखा है तुम लोग जानते हैं वो प्यार करते हैं मुझे दे क्राई व्हेन आई गो लाइव जब मैं यू नो परफॉर्म करता हूँ लोग मुझसे मिलते हैं जब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ तो वो आंसू बता देते हैं कि कितना प्यार हमने मैंने नेहा ने हमने यू you नो know, पाया है और हमारा ये बिजनेस हो सकता है कि कमर्शियल म्यूज़िक हम करें एक तरह से जिससे पैसा बनता है बट एट द सेम टाइम हमने वो म्यूज़िक भी बहुत किया है जिस जिसके लिए आप सो कॉल्ड यू नो एक वो इज्जत पाने वाला म्यूज़िक बोलते हो जिसको तो हम इसको अगर सही तरीके से कंक्लूड करें तो आप कुछ काम करते हो जो आप सक्सेस फेम जी, मनी जी, जी, पैसे जी, के लिए करते हो बिजनेस के लिए जी, करते जी, हो और कुछ ऐसा काम है जो आपको दिल से बहुत पसंद दिल से है बहुत पसंद है वो काम भी आप करते हो करते हैं बट उसमें आप पैसे एक्सपेक्टेशन ही रखते जब चलना होगा वो अपने आप चलेगा इस बिल्कुल बिल्कुल और मैं कभी भी उनको ना मतलब ना ही आप मुझे देखोगे उन कभी कोई मैं मनी स्पेंड भी नहीं करता उनको प्रमोट करने में एवरी थिंग यू सी इज ऑर्गेनिक अपार्ट फ्रॉम फ्यू डांस नंबर जिसपे लेबल खर्च करता है वो लेबल को स्टेक हाई होते हैं वो तीन करोड़ का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको लगता है यार थोड़ा प्रमोट कर लेते हैं ताकि वो रिकवरी फास्टर हो बाकी आई पर्सनली आई डोंट मुझे like ये भी it. किसी नहीं? एक लेबल वाले ने बताया था रिसेंटली कि मार्केटिंग से कोई गाना हिट नहीं होता करेक्ट अगर मार्केटिंग से गाना हिट होता तो कोई अपकमिंग कभी आगे बड़ा बने नहीं, नहीं तो इनिशियल रीच बढ़ती है आप बड़ा बड़ा से तक कर सकते उसके बाद अगर लोगों को गाना पसंद नहीं आया तो वो गाना नहीं चलेगा जी तो इवेंचुअली तो, तो गाना चलता है इवेंचुअली तो गाना चलता है लोगों को पसंद आता है तो गाना चलता है अब उसमें कभी कभी दो चार गाने ऐसे हो भी जाते हैं किसी के कि जो शायद मार्केटिंग से चले हो बट ये बताना और पकड़ना ये बहुत ही अजीब है नहीं नहीं भाई ये बात ये मैं इसमें ये बोलूंगा कि मार्केटिंग से चला हुआ गाने की तो कोई ऐसी टर्म बहुत, मतलब एक दो परसेंट हो, हो गया हाँ पता मैं आपको बताऊ क्या वो इतने लोग सुन लेते हैं ना वो उनको सुनवाने जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप मनाली ट्रांस सुनोगे तो आप फिर उसे रिपीट पे सुनोगे वो गाना इतना अच्छा है मजेदार गाना है पर ये आपने सुना ही ना हो

मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी और एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि मैंने 2014 में भी नंबर वन गाना दिया है मैंने 2024 में भी नंबर वन गाना दिया है यू नो टू बी नंबर वन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एनी वेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज अ ब्लेसिंग तो वो आपको ना वैलिडेट कर देता है कि सलाह तेरे जैसा कोई नहीं है तो रूल करता है ऑलवेज एंड एवरीबडी इंक्लूडिंग ऑल द यू नो द करंट आर्टिस्ट या पुराने आर्टिस्ट या अभी ये इनको मैं बहुत रिस्पेक्ट मैं फ़ैन हूँ सबका क्योंकि ये इतने बड़े लोगों को इतनी बड़ी 140 करोड़ लोगों के आगे गाना हिट करा पाना हाथ बहुत मुश्किल काम है एंड यू सीम वेरी हैप्पी कि बॉलीवुड पे डिपेंडेंसी कम हो गई है, <laughs> है ना <laughs> <laughs> आप देखो मेरा तो पूरा करियर ही बॉलीवुड के बिना ऑलमोस्ट बना है इतने जितने भी ये बिलियंस गए सब इंडिपेंडेंट म्यूजिक से गए हैं मेरे तो, तो आ, अच्छा ही हुआ है क्योंकि मुझे लगता है स्टार्स थोड़ा सा कम वैल्यू करते हैं म्यूजिशंस uh, को ऐसा लगता है आई डोंट नो थोड़े एक्सेप्शन होंगे कुछ बहुत जो म्यूजिक समझते हैं hmm. जैसे कपूर बहुत अच्छा म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं हमेशा से कपूर खानदान तो और भी आई एम श्योर और भी बहुत सारे सलमान सर बहुत सपोर्ट करते हैं म्यूजिशंस को तो उनके अलावा बहुत कम लोग हैं स्टार्स को ये लगता है ना कि अच्छा हमारा चेहरा आया इसलिए गाना हिट हुआ पर उन गानों का क्या जिसमें आपका भी चेहरा था और वो फिर भी हिट नहीं हुए

कि आपको बर्ड्स कहीं मिल जाएं तो उनसे वो हमेशा ब्रेक देते हैं और सुनते तो है आपका म्यूजिक जरूर ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने बहुत म्यूजिशियंस को भेजा है इंडस्ट्री में और भाई जैसे आपकी विकीपीडिया में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत है जी तो आई एम श्योर लोगों को आपकी कहानी के बारे में भी बहुत सारी गलत फहमिया फहमिया होंगी तो कुछ कुछ बातें तो बहुत सबको पता ही है कि जैसे आप ऋषिकेश में पैदा हुए हो आपकी बड़ी बहन है सोनोदी नेहा छोटी बहन है और दोनों सक्सेसफुल आर्टिस्ट है आप शुरुआत में उनको मैनेज भी करते थे करेक्ट केम हेयर और आप लोग जगराते में भी गाते थे जी। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो है जी। जो जी। मेरे ख्याल से काफी जगह बात भी हुई है बट जब भी अगर कोई इंसान अपने जर्नी को देखता है उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मूड होते हैं uh, कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग्स होती है आपके साथ कुछ ऐसा घटता है कुछ बीतता है जिससे आपको समझ में आता है यार दिस इज वन लर्निंग मैं ये भूलूंगा नहीं अब मैं ये अमल में लाऊंगा तो अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछूं तो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स क्या रही हैं अपनी जर्नी से अपनी लाइफ से आ, वो मेरे को बहुत बाद में समझ आया मतलब इस इंडस्ट्री कह लो या जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ी कि जब आप आ, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए भागते हो वो बात बिल्कुल सही है पर उसके बाद आपको रुक जाना चाहिए मतलब वंस यू गेट इट जैसे मुझे ब्रेक मिल गया तो उसके बाद परेशान लोग रहते हैं नो एक बार हिट हो जाते हैं उसके बाद बहुत परेशान रहते हैं कि हिट 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 बने रहें बने रहे बने, रहे, बने रहे। और उस चक्कर में वो बहुत अपनी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं True. तो वो मुझे लगता है कि देखो द फर्स्ट एम हैज टू बी यू नो द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू टू टू हैव अ ग्रेट लाइफ इज टू हैव लाइफ तो जिंदगी तो बने वो जिंदगी कैसे है परिवार नहीं है अपने लोग नहीं है कोई आपके सच्चे दोस्त नहीं है आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो मैं ये आर्टिस्ट की और है? ये स्टार्स की बात कह रहा हूँ आपको एक इंसान की कदर खत्म हो जाती है मैं तो आप मैं आपको बताऊं भाई यू नो एक और ये ये नथिंग अगेंस्ट द मैनेजर्स और यू नो कम्युनिटी वो लोग तो चाहते हैं सबसे भला एक बहुत बड़े बंदे ने मुझे बोला था और वो अभी भी यही बोलेंगे आराम से और आप भी बोलोगे कि अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए या अपना यू you नो know, एक स्टार्टअप मेंटेन करने के लिए आम जगहों पे मत जाओ ऐसे कहीं पे भी मत दिख जाओ ऐसे कुछ भी मत करो समबड़ी फ्रॉम दू नो कम्युनिटी टोलमी कि टोनी तुक तो कहीं पे भी ऐसे कैफे वैफे में दिख जाता है या चला जाता है या ऐसे ही बैठा होता है लोग कहेंगे अरे तो टोनी का मैंने कहा वो ठीक है भाई वो बिल्कुल ठीक है मैं उसे चेंज ही नहीं कर सकता मैं क्योंकि फिर मैं जिंदगी जीना छोड़ जाऊँ और वही मेरे लिए सबसे मेन है आर्टिस्ट बड़ा होना छोटा होना आर्टिस्ट बनना ना बनना मेरे लिए मायने नहीं रखता मेरे लिए अच्छी जिंदगी जी के मरना वो बहुत ज़रूरी है तो ये है कि जिंदगी अच्छी जीनी बहुत जरूरी है उसके बाद सब कुछ आता है पैसा आपका नाम आपकी शोहरत वो तो ये मेरे है। ख्याल से आप जो बोल भी रहे हो ना ये एक टाइम पे था मेरे ख्याल से आज से पाँच साल दस साल पहले जी Uh, क्योंकि सोशल uh, मीडिया और डिजिटल जमाना आने के बाद दुनिया बहुत छोटी हो गई राइट right, right. uh, पहले क्या था कि हम जैसे मैं भी गुवाहाटी से आया था तो हमारे मन में uh, इंडस्ट्री को लेके या आर्टिस्टों को लेके एक ड्रीम ही लाइफ थी ड्रीम करेक्ट 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 अब मेरे ख्याल से uh, जितना आप सच्चे रह सको जितना आप अपनी लाइफ जैसा आपने कहा कि लाइफ होनी बहुत जरूरी है आई थिंक दैट हैज आल्सो चेंज्ड ओवर राइट इट्स इट्स गुड राइट राइट तो आपकी ये एक लर्निंग है कि लाइव होनी चाहिए लाइव होनी चाहिए उसके बाद सब सब कुछ बाद में और कोई लर्निंग जो आप शेयर करना और आ, और क्या और क्या और क्या और ठीक है और वो भी ठीक है कि आपको जो बुरा वक्त आपके साथ जिंदगी में किसी भी लेवल पे भले आप बहुत पैसे वाले हो ना पैसे वाले हो वो बुरा वक्त भी बहुत ज़रूरी है वो झगड़े हो ना परिवार में वो आप किसी दिन उदास हो किसी दिन हर दिन तो जिंदगी इन सब चीज़ों से ही बनती है तो वो भी ठीक है अब मैं ये एलिमिनेट नहीं कर सकता कि मेरा घर में मम्मी पापा से कुछ बहस ना हो या नहीं यहाँ से कोई झगड़ा ना हो वो होना भी वो होता रहता है बिजी रहते हैं ज़िंदगी वैसे बीतती है वरना बहुत सिंपल हो जाएगी तो दैट इज़ ओके टू हैव बैड डेज टू हैव यू नो तो डेज व्हेन वे, यू फील कि उठना नहीं है आज पड़े रहना बिस्तर पे काम तो वो भी ठीक है एक ये है और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं आपकी जर्नी में और आपकी लाइफ में जिन्होंने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है जो आपको याद रहते हैं आ, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर शुरू से शुरू करूं तो मम्मी पापा क्योंकि उन्होंने वो बनाया जो मैं हूं और एक हमारी फैमिली वैल्यूज़ आई थिंक अगर सबसे पहले वैल्यूज़ अगर सही हो इंसान की तो फिर वो सही रहता है पूरी उम्र भर एक सबसे पहले मम्मी पापा फिर सोनू दीदी एंड नेहा बिकॉज सोनू दीदी ने ना चाह के भी ऐसे बैठा के तो कभी नहीं सिखाया पर उनकी म्यूजिकलिटी उनकी और नेहा की बहुत कमाल है तो उन्होंने जो मुझे म्यूज़िशियन बनने में सपोर्ट किया और डेफिनेटली इंसान बनने में तो वो गाइड करती रहती हैं ऐसे करो ये करो ये मत करो वो मत करो तो वो लोग आ, और उसके अलावा आई वुड से डेफिनेटली पूजा मैम और भूषण जी भी कुछ वो लोगों ने मुझे ब्रेक दिया तो उससे देखो जिस दिन पूजा मैम ने और भट्ट सर ने गाना सुना और जिस दिन ये बोल दिया कि वाह क्या गाना है तो ना मेरे को एक वैलिडेशन होता है ना वो मिल गया कि अरे वाह मतलब मैं भी उस लेवल का इंडस्ट्री में काम करने के लेवल का काम कर पाता हूँ क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका काम उस लेवल का है कि नहीं जिसे पूरा हिंदुस्तान सुन सके तो उसमें ही फिर जब भूषण जी ने भूषण जी से मिला और भूषण जी ने पहला गाना मैंने प्ले किया और वो सावन आया था उन्होंने प्ले कर दिया उन्होंने बोला बस रुक जाओ अंदर गए और आई थिंक तब भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही बना लिया कि इसको साइन कर लो <laughs> उन्होंने बोला <पुला? laughs> हाँ तो उन्होंने बोला इसको कहीं मत इसे निकलने में मत दो ये वो पहचान गए तो उन्होंने तो फिर उसके बाद भी ग्रेट रन बहुत अमेजिंग हमने साथ काम किया और अभी तक करते रहेंगे आई एम श्योर बट वही है कि एक वो जब एक वो दो लोग और शायद आ, मैं अगर किसी को भूल जाऊंगा तो पहले से ही बिकॉज आई फील कि आप जिन लोगों को जिनसे बने होते हैं उनको सही टाइम पे याद ना रखो या थैंक यू ना बोलो तो वो भी रॉन्ग है भाई आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप uh, मतलब आपका ये ड्रीम है आपका ये ड्रीम है कि आप एक पूरी हिंदी फिल्म करो जी और सारे गाने आप कंपोज uh, करो वो ड्रीम अभी भी है या इट हैज चेंज ना वो ड्रीम वो ड्रीम uh, अब मेरे को मूवी बनाने का ड्रीम है मतलब मैं डायरेक्ट करूं मूवी और आ, और शायद वो ड्रीम ही रह जाएगा वो मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं बैठ के मूवी बना पाऊं कुछ सपने अधूरे रहना बहुत अच्छी बात है तो वो आपको जीने का मकसद देते हैं ये मैं अधूरा ही रखना चाहता हूँ मैं ऐसे ही बैठे बैठे अपनी मस्ती में देखता रहता हूँ डी के इंटरव्यूज़ डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ यू नो अच्छी लाइटिंग कैसे करते हैं ये सब कैसे करते हैं तो पर वो ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा है वो वो मैं शायद कभी भी नहीं बना पाऊंगा मूवी पर हाँ म्यूज़िक म्यूज़िक में अब वो इसके लिए निकल गया बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी अभी म्यूज़िक में अंटिल एन लैस आई फाइंड अ पर्सन एक ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो पहचाने कि ये जैम है मुझे आज तक ऐसा कोई मेंटोर मिला नहीं जो कि ये समझ पाए कि मैंने खुद अपने दम पे सिंगल हैंडडली इतना अचीव किया है तो जब मैं स्टार्स के साथ काम करूंगा जब रणबीर कपूर के लिए गाना करूंगा तो वो वन बिलियन हो गई होगा ये ये इसकी श्योरिटी ज्यादा है क्योंकि पीपल यू नो जानते ही नहीं बिकॉज आई फील कि मैं जितना अच्छा म्यूज़िक कर पाता हूँ घर घर में चलने वाला गाना जितना मैं बना पाता हूं, उतना कोई इंडस्ट्री में बहुत कम लोग बना पाते हैं तभी वो रूल भी कर रहे हैं पर मुझे वो मौके नहीं मिले हैं मतलब वैसे मैं थोड़ा अनलक्की रहा हूँ कि मुझे तो शाहरुख खान का चेहरा नहीं मिला मेरे गानों पर <laughs> शाहरुख सलमान एंड हां uh, तो आप लोगों ने एंथम पहली बार आपने fan, शायद yeah. uh, गाया था uh, जी वो वन ऑफ द अर्ली सॉन्ग्स था SR जो मैंने बिकॉज़ वो आई एम अ ह्यूज के फैन तो उनके लिए हमने डेडिकेट किया था एक गाना वो 2020, नेहा और मैंने yeah. वो उन्होंने ट्वीट भी किया था बट सलमान बट शाहरुख सर तक शाहरुख सर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो म्यूजिक बैठ के डिसाइड करें कि इसको ले लो या उसको ले लो या सुन लोट्सम एंड सलमान सर एंड रणबीर कपूर सो these थ्री आर टॉप फेवरेट इनके साथ होगा तो मजा आ जाएगा हंड्रेड परसेंट होगा अब कर लिया तो होगा ही होगा थैंक यू आप लोगों को आपका सबसे ज्यादा गाना मिले हो तुम हमसे पसंद है और कोका कोला तो धीमे धीमे right. आपको अपना कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है आ, uh, मुझे uh, और क्यों भी क्यों मुझे मेरा मेरा एक गाना मैं अकेला हूँ वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो शायद इसके लिए क्योंकि उसमें जो मतलब इनफैक्ट वो और वो एक वो सीरीज़ ही कह लो आप हिडन जेम्स करके मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है फोर्टी फाइव मैं अकेला हूँ जिंदगी तू आना जिंदगी बता दे ये तीन मेरे टॉप फेवरेट इसके लिए हैं ऑल्सो मेहरबान मैंने रिसेंटली किया ये गाने मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और हमेशा रहेंगे क्यों क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में उनको खैर थोड़े वायरल भी हुए हैं पर फिर भी पूरा देश को सुनने चाहिए ये गाने बिकॉज ये इतना मॉडर्न टाइम्स में सिटी लाइफ के बारे में इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ लिखा गया है मैं जब टोनी कक्कर आर्टिस्ट साइड में निकाल दो और एक इंसान टोनी कक्कर का लिसनर और व्यूअर देख रहा है ना तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मॉडर्न टाइम्स में इतना अच्छा आज की लाइफ को नहीं लिखा गया यह बहुत कम लिखा गया जितना ज़िंदगी बता दे जिंदगी तू आना और मैं अकेला हूँ इन तीन गानों में ऊपर वाले ने मुझसे करवा दिया है और जिस दिन ये जब गाने जाएंगे तो ये वन बिलियन वाले ही होंगे बिकॉज ये डिजर्व करते हैं तो आई लाइक आई लाइक योर क्लैरिटी मतलब ये बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट मैंने आर्टिस्ट से मैनेज की पूरी लाइफ में और होता क्या कि बहुत आर्ट जो क्रिएटिव लोग होते हैं बहुत कंफ्यूज भी होते हैं जी हाँ uh, कभी कभी तो आप बहुत ही क्लियर हो आप करना क्या चाहते हो बोलना क्या चाहते जी। हो जी। आप रिजल्ट क्या चाहते हो जी। You you. you. You you, you know, know congratulations for that. <laughs> Thank you. So, I'm so happy to hear from you. You being, empire you, uh, you know, आप एक तरह से uh, आने वाली generations के लिए आप एक मिसाल है ये बात पक्की है बिकॉज आप जैसा कोई नहीं हुआ ओनली वन ना जो इतना कुछ कर पाया और यू you नो know, क्या क्या रिसेंटली भी पता चला क्या क्या चीज़ें आपने की है तो बहुत बड़ी बात है आप जैसा तो कोई नहीं है और तो फर्स्ट वन एक्चुअली वो फ्लैग बेर बोलते हैं ना तो इसलिए बड़ा मेरे लिए मायने रखता है थैंक यू भाई भाई जैसे बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं कि आप म्यूजिक बनाते कैसे हो प्रोसेस कैसा है म्यूज़िक बनाने का पहले धुन बनाते हो पहले लिरिक्स लिखते हो किन किन चीज़ों से इंस्पायर होते हो क्या क्या चीज़ स्टडी करते हो कुछ ऐसा है कि ये करना ही करना है ये बिल्कुल नहीं करना है okay. ऐसा कुछ है म्यूज़िक uh, बनाने का प्रोसेस तो मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक मतलब मेरे को ना सपना सही आता है एक तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे को मोस्टली पूरा गाना मेरे दिमाग में आएगा और मेरे को लिरिक्स के साथ आएगी वो कॉम्पोजिशन जैसे uh, सावन आया का वॉइस नोट आई डोंट नो कभी मैं निकालूंगा कभी होगा तो मैंने ऐसे ही uh, uh, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था आई थिंक मेरे को याद है मैं इधर थिएटर में था फेम एडलैब्स होता था, था। तो वहाँ पता नहीं बारिश थी या क्या टाइम था आई डोंट नो यस शायद हो गया आई एम श्योर तो फिर मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया मोहब्बत है तरा रा 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 आया वो उतना ये हो ही गया था फिर उसको फाइन ट्यून में बाद में करता हूँ मोस्टली ऐसा ही होता है कि पूरा गाना विद लिरिक्स मेरे को दिमाग में आ जाता है और फिर उसको आगे पीछे फिर अंतरा मुखड़ा और वो पूरा क्या करना है हुक्स मेरे को आ जाते हैं हुक्स लिरिक्स के साथ आते हैं और उसके बाद मैं बैठ के उसको प्रोड्यूस करता हूँ उस तरह से जैस जिस फॉर्म में मैं वो म्यूज़िक सुनना चाहूँगा नाइन्टी परसेंट हंड्रेड परसेंट तो आप अचीव नहीं कर सकते आप कुछ गानों में चाहते हो कि रहमान सर जैसा म्यूजिक कर दो पर उतने आप केपेबल नहीं हो बट या उसके आसपास कोशिश करते हैं <laughs> तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो आप डेफिनेटली अपने गानों को जब करते हो तो ये चेक करते हो कि यार ये चीज़ें ठीक हुई है नहीं ऐसा नहीं करता मैं क्या मैं आपको भाई बताऊँ मैं बहुत सारे गाने जैसे थैंकफुली स्ट्राइक रेट अच्छा है मेरा कि ज़्यादा गाने जितने की है, वो सब चले हैं पर जो गाने नहीं भी चले हैं तो उनको अब अब मैं बैठता हूँ तो मुझे पता है वो क्यों नहीं चले हैं तो पर वो बनाते वक्त मैं नहीं बिकॉज मैं उसको यूनिवर्स में लाना ही देना चाहता हूँ कि इसको रिलीज़ करो टोनी बिकॉज ये किसी स्टेट ऑफ माइंड से तेरी ये क्रिएशन आई है तो इसको रिलीज़ कर कर तू भले ये कितनी अच्छी या बुरी जैसी भी है तेरे को एक सर्टेन लेवल पे पसंद आ रही है तो इतना तो तू यार सक्सेसफुल uh, है कि इसको रिलीज़ कर दे इतने तो पैसे हैं कि म्यूज़िक वीडियो बना के वो करके कर दे क्योंकि यू नेवर नो फिर की फिर तू बाद में रोएगा कि यार यार इसको रिलीज नहीं किया रिलीज किया होता ना तो कोका कोला से भी बड़ा गाना हिट होता वो, वो बात अलग है ना हो पर कर पाओ वो बड़ी बात है ना क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना रिस्क ही नहीं लेते हैं और मैं रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता हूं मैंने हमेशा जॉनराज भी चेंज किए हैं मैंने अपना स्टाइल भी चेंज किया है म्यूजिक का मैं करते गया हूँ तो अभी तो भी आप देख रहे अभी ये जो जिंदगी बता दे और जिंदगी तू आना ये रैप इन्फ्लुएंस्ड गाने हैं भले ही रैप नहीं है पूरा पर इनका स्ट्रक्चर वैसा ही है और इसमें भी हम नंबर वन और वायरल गाने दे पा रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे कि लर्निंग्स हमारी ठीक है बेस बड़ा ठीक है वो जगराते जो बचपन में किए वो नुसरत साहब को जो सुना लता जी को जो सुना वो जो भी हमारा वो म्यूज़िक बैकग्राउंड रहा है ना वो उतना आसान गाने बनाने के लिए भी उतना गहरा म्यूजिक सुन के आए हैं इसके लिए इतना वो एफर्टलेसली हो रहा है वरना कभी भी नहीं होगा जो जो कम हल्का म्यूजिशियन होगा ना उससे कभी भी बहुत सारा काम एक दो गाने सुपर हिट और अच्छे बन सकते हैं यू हैव टू बी डिग्री पे उतना लर्नेड होना ही चाहिए तो ऑल्सो आई फील कि हम लोग आपस में ही नहीं समझ पाते हैं कि जिसको हम कई बार ये बोल देते हैं कि ये ये तो ऐसे ही वो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं वो देखते नहीं वो उस वो कितना गहरा है वो क्या सब चीजें और भाई आपने ना एक बार नहीं दो दो बार लेबल्स खोले जी पहला वाला लेबल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लेबल है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन द टाइम्स किसी ने भी शुरू किया है आपने फिर से लेबल शुरू किया साल भर पहले जी वो भी सक्सेसफुल है उस पर भी अच्छी अट्रैक्शन आ, आ रही है मेरे ख्याल से अगर कोई भी आर्टिस्ट आज के दिन है इस देश में वो आर्टिस्ट चाहता है कि वो अपने कंटेंट को खुद रिलीज करे खुद उसका मालिक हो उसको मोनिटाइज करें शोज करें ये सबका ड्रीम है जी आपने वो किया है एक नहीं दो दो बार किया तो अब क्या है कुछ मैनेजर समझाते हैं आर्टिस्टों को कुछ लेबल्स वाले समझाते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर समझाते हैं सब लोग समझाते हैं आर्टिस्टों को लेकिन आर्टिस्ट को ना विश्वास नहीं होता कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि यार इनका कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ये जो मुझे समझा रहे हैं बट आपने वो किया है जी। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि कोई भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट ये पॉडकास्ट देख रहा होगा कि अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं खुद का म्यूजिक खुद रिलीज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए क्या क्या पढ़ना चाहिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये बिजनेस चलता कैसे है थोड़ा सा अगर आप बताओ ना तो आई थिंक इट हेल्प लॉट ऑफ पीपल सिर्फ एक ही आंसर है मतलब और वो बहुत बड़ा आंसर भी नहीं है गाना अच्छा बनाओ बस बात खत्म तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और ये और वो वो कुछ भी देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो आपके सी डी बेबी ट्यून कोर डिटो और ऐसे कितने छत्तीसवें प्लेटफॉर्म है इनसे आप प्लीज़ कीजिए और लेबल को अगर आपको अच्छा लगता है कि लेबल आपको अच्छा पैसा दे रहा है तो उनको दे दीजिए और ना आप इंडिपेंडेंटली रिलीज़ करो क्योंकि अगर वो गाना हिट हो गया तो आपके पास फिर बहुत पैसा है बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट मिलते हैं और सब ये बोलते हैं कि प्रमोट कैसे करें प्लेलिस्ट पे कैसे लाएँ राइट और दस में से आठ लोगों की प्रॉब्लम यही है जी कि यार हमारे पास गाना है तो हम रिलीज़ कैसे करें और कैसे हमको प्ले लिस्ट मिले तो क्या आप ये बोल रहे हो कि आप सिर्फ कॉन्टेंट पे ध्यान दो और बाकी चीजें अपने आप होती है हमेशा से भाई देखें आप गाना बनाते हो कोई बहुत अच्छा गाना बनाते हो और वो ना चले मुझे तो मुश्किल तो ही लगता है ऐसा आज तक किसी भी आर्टिस्ट के साथ नहीं हुआ है वो भले ही दो साल लेगा तीन साल लेगा चार साल लेगा दस साल लेगा पर वो गाना वायरल हो गई होगा भले ही वो आज की ऑडियंस के लिए शायद ना बना हो सकता है वो पांच साल आगे की ऑडियंस के लिए बना हो पर वो गाना जरूर से ज़रूर चलेगा हमने अखियाँ गाना जब रिलीज किया था तब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो हमने तो कोई प्रमोट नहीं किया हमने तो सिर्फ वो एक मोस्ट ऑफ द नाइन्टी परसेंट ऑफ माई वर्क इज मेयरली एन अपलोड अपलोड के अलावा कुछ भी नहीं है अपने आप हाँ वायरल हुए हैं मोस्टली और ऐसा ही होता है हर किसी का उन मैं नए लोगों को तो यही बोलूंगा भाई क्योंकि देखिए अगर वो पहले ही इतना इन्वेस्ट कर देंगे तो वो सरवाइव फिर कैसे करेंगे फिर वो दूसरा गाना नहीं बना पाएंगे और मैं तो यहाँ तक की भी बोलता हूँ कि उनको वीडियो की भी जरूरत नहीं है एक अच्छा सा आर्ट वर्क बनाएं और ऑडियो चिपकाएं और छोड़ दें जितने भी आप सक्सेस स्टोरीज देखोगे और जिन्होंने खुद का यू नो खुद से बहुत अच्छा किया है वो ज्यादा खर्चा तो किया ही नहीं है ब्राउन मुंडे का कितना बेसिक सा वीडियो है एक भी नहीं शुभ ने भी देखे ना कितना तो यही है तो अपलोड करें बस ज़्यादा अपलोड करें और ज़्यादा काम करें क्योंकि लोग डर जाते हैं अपना वो यू you नो know, वो मोटिवेशन निकल जाता है वो पागलपना तो रहना चाहिए ना मैं दस साल बाद भी फर्क नहीं करता हूँ या ये मुझे मायने नहीं रखता कि मैं वन बिलियन वाला गाना दे चुका हूँ तो मेरे अब ये जो गाना रिलीज हो इस पर एक मिलियन व्यूज़ भले खरीद के डालो तो डाल दो I don't care. उस हो 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 अपने को मानो कि कि आप 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 बहुत बड़े 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 क्योंकि आपकी कला आपको पता बता देती है आप कितने बड़े हो, तो वो क्या कि एक million आए तभी लोगों ने सुना और लोग पागल हो गए बात खत्म वो फिर पच्चीस से पच्चीस लाख कब होगा वो पता भी नहीं चलेगा Very well said. मैं ना बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे जिम्मेदारी लेके आपसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा हूँ जैसे सोशल मीडिया पे भी आप सक्सेसफुल हो आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है हर जगह तो उस पर भी मतलब मैं एक आर्टिस्ट हूँ यार देखो हम सब यही सो, यही सोचना चाहते हैं कि वो आर्टिस्ट कैसे बना कि हम भी वैसे बन सकते हैं अभी सोशल मीडिया पे जब मैं नया आता हूँ तो मैं उस पर क्या ध्यान रखूँ जिससे मेरी फॉलोइंग बढ़े बढ़ी सोशल मीडिया पर आप क्या आ, एक तो जो आप सेल कर रहे हैं सेल से मतलब जो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए अगर आप हर तरह से मैं मैं, मैं पागल हर बात कर लेता तो, हूँ बट ठीक है ना फाइन आई फील अगर आप गुड लुकिंग है तो आपके लुक्स सबसे पहले लुक्स बेचो आप गाना अच्छा बनाते हैं तो फेसलेस जाए अगर आप उत, उतने गुड लुकिंग या फिर जो यूएसपी है, है।, है उस सबसे पहले उसको बेचें जब वो एक बार बिक गई तब आपकी फिर कोई चीज मायने ही नहीं रखी, फिर आप सबसे बदसूरत इंसान जिसको दुनिया कहती है वो भी सबसे खूबसूरत लगने लगता है जब उसकी कला को बेहद पसंद किया जाता है तो बहुत बड़ी बात है आपने <laughs> तो सबसे पहले आपने यूएसपी में एक ऑडियंस इकट्ठी कर लें उसके बाद तो आप जो करेंगे आप खुदा है पर आपको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है जी जी और बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं पढ़ते हो पड़ता हूँ फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि एक तो बेशरम बहुत हूँ <laughs> बेशरम इन देंस जिसको अपनी सेल्फ वर्थ पता होगी वो कहा फर्क पड़ता है क्या खुद के लिए हम बड़े होने चाहिए दुनिया तो बड़े से बड़े आदमी को ट्रोल करती है जब प्यार बेहद मिलता है तो ट्रोलिंग भी बेहद मिलेगी क्योंकि आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा है वो कहते उतने तो तेरे प्यार करने वाले नहीं जितने मेरे हेटर्स हैं आप सैंपल साइज देखो ना एज एन आर्टिस्ट और कौन से कौन से चीजें हैं जिन पे आप फोकस कर रहे हो जो मैं फ्यूचर में देख सकते हैं मैं सबसे पहले जो फोकस मेरा अब टिल लॉकडाउन मेरा फोकस रहा है कि अपनी आई क्रिएट करो बहुत ज़्यादा बहुत सारे गाने ओन करो उनकी रॉयल्टी आपको आनी चाहिए ताकि आप जब काम करने का ना भी मन करे तो आपको हर महीने वो चेक आपके टिंग अकाउंट में आना चाहिए क्योंकि भाई अदरवाइज क्या होगा ना कि जैसे ही फैंडम चला जाएगा जैसे आपका यूथ गया आप वो ये कूलनेस गई तो फिर आपका वो ना आपका वो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है ना वो आपको लेबल्स काम दे रहे हैं तो फिर क्या करोगे <laughs> so तो मैं मेरा सारा ध्यान इसमें है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में गाने ऑन करने में उनके यू you नो know, और राइट अमाउंट पे लेबल्स के लिए भी काम करूंगा पर उनके लिए वो उतना पैसा दें तो कर ही रहा हूं एक एक दो दो एक एक दो दो करता हूँ और फिर उसके बाद आ, मैं भाई मदारी बनके या बंदर बनके नाचना नहीं चाहता कि उम्र भर नाचे जा रहे हैं नाचे जा रहे हैं लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो आज आपको हटा के कल दूसरे को खुदा बना देंगे ज़रा भी नहीं और मेरे को मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लोगों को प्लीज़ करना उन पैसों के लिए आप मेरे को बोलो कला के लिए आप मैं आपको प्लीज़ करूँगा मैं अपना गाना सुनाऊँगा जिसके आप बेहद फ़ैन हों पर उन चीज़ के लिए कि इस चीज़ से मुझे पैसा मिलेगा और फिर वो उसमें आपको जज भी करेंगे तूने अच्छा गाया नहीं गाया तो उस दिन एनर्जी में था आज तू उतना एनर्जेटिक नहीं था आज तुमने उतने अच्छे से बात नहीं की या आज ये हो गया वो हो गया मैं क्यों जज करवाऊँ अपने आप को और मैं सही टाइम पे भाई रिटायर भी हो जाऊंगा मैं बहुत सही टाइम पे बंद कर दूंगा सारी दुकान और मेरी फिर दूसरी दुकान शुरू होगी जो कि आने वाली पीढ़ी को सिखाने की और ऐसा एम्पायर खड़ा करके जाऊंगा कि लोग बोलेंगे कि लोग बोले ना बोले पर मेरा दिल बोलेगा कि मैंने कुछ किया मतलब कम से कम मैं तड़पा नहीं जो कि बचपन में मैं तड़प के आया हूँ और हमने भाई हम हमारे मैंने खिलौने से खेला ही नहीं है हमें कौन सा खिलौना एक कार मुश्किल से आई रिमेंबर बीस रुपए की एक जीप होती थी वो जीप खरीदने के लिए वो टॉय कार खरीदने के लिए मेरी मम्मी मेरे पापा को झूठ बोलती हैं कि और वो बोलती हैं कि इसको छत पे ना छुपा दियो हो छत पर जगह थी वहाँ छुपा दी और जब भी, भी मन करे तो ऊपर जाके तब खेलियो पापा ना देख ले तेरे तो क्योंकि उन्होंने पेट काट के अपना वो मेरे को टॉय दिलवाया है तो इसके लिए भाई मेरे लिए पैसा भी मायने रखता है और मेरे लिए ये सब धंधा खड़ा करना भी मायने रखता है ताकि मैं तड़पू ना यू नेवर नो पैसा अभी है कल नहीं है पर आपकी एक जो रेकरिंग इनकम होगी ना जो हर महीने आती है आपकी रॉयल्टीज से वो बहुत मायने रखेगी तो आपने ये तो सेट कर लिया ऑलमोस्ट करेक्ट हाँ हाँ मतलब अगर मेरे लिए माने तो कर लिया पर अगर मैं बोलूं कि मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स एनजीओस और बहुत सारे समाज सेवा करनी है उनके लिए मैं अभी भी करना चाहता हूँ भगवान का सब मैं करना चाहता हूँ पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे क्योंकि लोग मोस्टली लोग अपने लिए पैसा बना के और फिर निकल जाते हैं मैं सच में आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड आई वॉन्ट टू अर्न दैट मच मनी कि जिससे अभी मैं अपने और अपने हमारे जितने भी परिवार हैं उनका तो हमारे यहाँ होता ही है हम एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं कक्कर जित मतलब हमारी जितनी एक्सटेंडेड फैमिली है वो सब एक साथ एक मतलब अगर नेहा अर्न कर रही है और टोनी अर्न नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं नेहा विल टेक केयर नेहा अर्न नहीं कर रही टोनी अर्न कर रहा है तो मतलब पूरे परिवार का हमें साथ लेके चलना है तो वैसे अभी परिवार का हो पाता है मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि कम्युनिटी का हो लोगों का हो समाज का हो काश वो सपना तो वही है आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट इंस्पिरेशन वाइल ग्रोइंग और राइट नाउ हु आर योर इंस्पिरेशंस माय इंस्पिरेशन एज एन आर्टिस्ट और एज ए लिस्टनर बूट बूट मैं एज अ लिसनर बिकॉज़ एज अ लिसनर अलग हो सकते हैं एज एज एन आर्टिस्ट अलग हो सकते हैं एक तो नेहा दीदी वो एज एन आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट आल्सो अपना अरिजीत दादा सोनू जी सोनू निगम और uh, नुसरत फतेह अली खान साहब रहमान, हाउ कैन आई अमित नितिन सोने को भी शुरू के कुछ गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं वो लंदन के कंपोजर ने। है ना नितिन शो ने उनका कोयल गाना मेरा मोस्ट फेवरेट है उन्होंने एक पूरा साउंड का पूरा यू नो एक जो पूरा जो तैयार किया है वो बिल्कुल ही अलग है और uh, Chauta, course, संदीप चौटा ऑफ कोर्स संदीप चौटा संदीप चौटा यस उनके वो तो ड्रीम था मेरे लिए उनके सत्यावास्तव yes, yes, सारी yes. फिल्में में हां ah, गुलाम अली गुलाम अली खान साहब जी गुलाम अली खान साहब और एज अ लिसनर आप किनको सुनते हो एज अ लिसनर बैड बनी अभी पिछले 2 3 साल से बैड बनी बैड बनी इज माय आई डोंट नो ही इज ही इज गॉट अ वाइब कार्डी बी और एचिन रोजा लिया जितने भी लोगों के साथ आपने काम किए आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया सबसे ज्यादा मज़ा मुझे सबसे ज्यादा मज, हाँ मज़ा तो उसके साथ आएगा या शायद आएगा <laughs> आया इसके लिए नहीं बिकॉज मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं आम इंसान की तरह मिलता हूँ लोग आर्टिस्ट की तरह होते हैं इसलिए आ, उतना मज़ा नहीं आता हाँ हनी सर हनी भाई एक पॉइंट पे आ, ब, वो जब हम जब काटा लगा कर रहे थे तो वो बहुत ही वॉज वेरी हम्बल उन्होंने बोला हिंदुस्तान में टोनी जब हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में किसी के एक दो गाने हिट होते हैं ना तो उसका रवैया बदल जाता है और तू जला इतने बड़े बड़े गाने और 20 30 40 गाने दे चुका है और तू इतना हम्बल है इतना डाउन टू अर्थ है तो उनके साथ बहुत मजा आया था कांटा लगा का शूट करने में बिकॉज वो दिलदार बंदे हैं तो बड़ा मजा आया था कोई ड्रीम कोलैब है किसी के साथ काम करने का ड्रीम कोलैब बाद में पता चला कि ये तो ड्रीम कोलैब है जो कि हो रही है अरिजीत भाई के साथ जो सावन आया हुआ तो आई थिंक उसको रिपीट करना वुड आल्सो बी अ ड्रीम कोलैब बिकॉज ही इज माय एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि अगर सभी म्यूजिक का एक ही नाम बोलो कि चलो सब हटा दो सेकेंड थर्ड फोर्थ या यू नो

ंगज uh, रिल really हाँ बहुत अच्छा कर रहा है किंग के वो दो गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि पूरा मास कंज्यूम करता है उनको है ना तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे बादशाह भाई के गाने बहुत पसंद हैं उनके जितने भी डांस नंबर्स हैं वो बहुत पसंद है मुझे लगता है इज अ ग्रेट क्रिएटर गाने बड़े अच्छे बनाते हैं मुझे मजा आता है उनके गाने सुनने में सचिन जेगर ब्यूटीफुल अमित शाह अमित त्रिवेदी ही इज अ लेजेंड आई थिंक अमित त्रिवेदी इज ऑल्सो शायद अंडर है बहुत अंडर है खैर उन्हें नेशनल अवॉर्ड और वो सब भी बहुत मिला है वो तो दुनिया प्यार करती है आ, वो मेरे फेवरेट है। मतलब अगर किसी को दिन मतलब सुबह और शाम पसंद होती है ना तो ऐसे मैं ऐसे ए आर रहमान और अमित त्रिवेदी को ऐसे रखता हूँ कि ये दोनों लोगों ने इंडियन म्यूजिक को डिफाइन किया है अजय अतुल संतोष नारायणन भाई आप रिजेक्शन हो सामने वाले का लॉस है मेरा रिटेक्शन करना मैं तो हिट मशीन हूँ तो मिलियंस रुपीस मेरे को आप गाना मेरे गाने स्ट्राइक रेट ही कमाल है ना मैं बोल रहा हूँ भाई एक रिसर्च करवा लो आप कि मैंने कितने गाने बनाए हो कितने हिट हुए हैं मेरा कोई गाना अनसक्सेसफुल नहीं है और अगर मान लो आपको इंडस्ट्री में किसी के साथ काम करना है चाहे वो सिंगर हो कंपोजर हो लिरिसिस्ट हो म्यूजिक प्रोड्यूसर हो कितना डिफिकल्ट है लोगों के साथ कनेक्ट करना इज इट इजी और इज इट डिफिकल्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली कोलैबोरेट करना दे कोलैबोरेट विद लेसर टैलेंटेड पीपल द बिगर वंस जो लेसर टैलेंटेड होगा वो उनका फैंडम चोरी नहीं कर लेगा बट आप देखो ना यहाँ पॉप कल्चर में हमारे जितने भी पॉप स्टार्स हैं आपस उसमें कोलाबरेट ही नहीं करते उनको लगता मेरा फ़ैन बेस ये ले जाएगा अरे यार फ़र्क ही नहीं पड़ता है तुम्हारा फ़ैन तुम्हारा रहेगा हाँ वो लेसर टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम भी ज्यादा कर लेंगे उसको प्रमोट भी कर लेंगे जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा उसके साथ काम करना बंद क्योंकि फिर उनको इनसिक्योरिटी आ जाती है आई डोंट केयर मेरे को आप जिस जितने भी यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ काम करा लो जिस जिस मेरा सारा फैंडम ले जाए बिकॉज वो डिजर्व करता है या कितने भी सुपर टैलेंटेड और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करवा लो आई एम ओके okay, बिकॉज मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मुझे पता है मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मेरा वो कोई चीज़ आप देखो ना कुछ कोलेब्रेशन होती नहीं है आई थिंक यू शुड बी द वन जो ये सब शुरू करे और सबके दिमाग ठीक करे कि यार तुम लोग कोलेबरेट ही नहीं करते हो आप देखो ना इतना वेस्ट में कितना कोलेब्रेशन हमारे किस पॉप स्टार ने आपस में कोलेबरेट किया है कोलेबरेटिंग विद अनदर बिग फीमेल सिंगर नेवर हैपेंड दे दे डोंट फॉलो ईच अदर क्या बात करते हो आप एंड यू सीन नेहा नेहा टेलिंग पब्लिकली आई एम अ फैन ऑफ दिस गर्ल दैट गर्ल बट उनको पता नहीं क्या इश्यूज़ मतलब आपस में हाँ. नेहा के भी अपने इश्यूज हो मुझे सकते है? नहीं 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 लगता है। दौर और दुनिया का जो दस्तूर है ना वो बदलने के लिए जो भी यंग जनरेशन है ना जी तभी हम, हम मुझे लगता है कि हम तभी हम कर रहे हैं है। और तभी हम बात कर रहे हैं अनलेस मैं ऐसी बात नहीं करूंगा आने वाली जनरेशन भी नहीं सीखी निकल से नई जनरेशन बदलेगी और शायद बदलेगा हमने कोशिश की ऑल अबाउट म्यूजिक और कुछ कुछ करके तो लेट्स जितने ज्यादा लोग मिलेंगे एक दूसरे से शायद कोलैबोरेशंस और ज्यादा होंगी आपके टीम में कौन कौन लोग हैं टीम uh, बहुत छोटी है एक तो जैसे जो म्यूजिक टीम है वो बहुत बड़ी म्यूजिक टीम है उसमें से एक बंदा है वो टोनी का <laughs> मैं मेरे को हर एस्पेक्ट पे काम करना अच्छा लगता है तो प्रोड्यूस uh, भी मैं करता हूँ मोस्टली बाकी हाँ आ, आकाश रिजिया के साथ बहुत क्लोजली मैं काम कर रहा हूँ इज माय प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर तो अपार्ट फ्रॉम हिम नो बडी मी एंड आकाश मोस्टली सारा म्यूजिक निपटा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की टीम डिस्ट्रीब्यूशन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स एंड म्यूजिक लेबल्स तो मैं सबके साथ काम करता हूँ और पहले मैं देसी म्यूजिक फैक्ट्री के लिए ही काम कर रहा था बिकॉज अपनी कंपनी के लिए ही काम करना मेरे लिए यू uh, नो you know, पहला वो था मोटिव था बट अब मैं सबके साथ काम कर रहा हूँ बिकॉज देसी म्यूजिक फैक्ट्रीडी हाँ मतलब वो हमने बंद ही कर दी है बेसिकली और मुझे लगता भी नहीं उसका कोई फ्यूचर है वो दैट इज मतलब वो एक अच्छा पास था एंड वो पास ही रह सकता है वो करंट और फ्यूचर होगा नहीं so, right सो ऑफिशियली अगर कोई कहीं जाएगा तो वो, know, मेरा तो मन करता है बेचने का भी नहीं मुझे लगता है, मैं मेरे पास रखता हूं सारा म्यूजिक वाइट पैसा क्या ही कुछ कर देगा पैसा डजंट ऐड एनीथिंग टू योर लाइफ आर्टिस्टों को कुछ कुछ चीजों का मतलब नहीं पता होते जी मैं सबसे पूछता हूँ करता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉपीराइट का क्या मतलब है? कॉपीराइट इज़ द राइट ऑफ द मास्टर जो मास्टर जनरेट हुआ है मतलब कोका कोला तू जो गाना है वो जो आप क्लब में सुनते हो जो वो प्ले हो रहा है उसका जो मालिकाना हक हाँ है वो कॉपीराइट वो हो गया तो वो मास्टर राइट हो गए कॉपी राइट इज द वर्क करेक्ट दी अंडरलाइनिंग वर्क

लोग <laughs> आप देखो पहले लोगों में वैल्यूज होते थे जो क्लासिकल जितना सुनते हैं तो वहाँ एक जो गुरु शिष्य परंपरा है बड़ों का आदर करना बच्चों को ज्ञान देना पूरा आप बड़े हो तो बड़े होने का फर्ज निभाओ कि जब आप आगे लेगेसी बना के जा रहे हैं तो उनको सब अच्छे से एजुकेट करते हैं ना हम अपने बच्चे को तो नर्चर करते हैं पर हम म्यूजिक इंडस्ट्री अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाती नहीं है कुछ उसको ऐसे अंधेरे में छोड़ देती है कि गिरो पढ़ो टूटो फूटो हड्डी तोड़वाओ और अपने म्यूजिकल करियर में किन प्रोजेक्ट पे काम कर आ, वो तो भाई चलता ही जा रहा है वो तो मैं बहुत सारे गाने बनाता ही रहता हूँ डेली बहुत ज्यादा एक दो फिल्में भी कर रहा हूँ बिग बॉस में मैं गया था सलमान सर ने बोला टोनी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम्हारे गाने मैंने सुने हैं सब बहुत अच्छे हैं आप देखो मैं इतना डरा हुआ और इतना अपनी दुनिया में व्यस्त आदमी कि मैंने मतलब मेरी हिचकिचाहट नहीं हुई मैंने सर को तभी जैसे कैमरा होगा मैंने सर को बोला नहीं कि सर मैं सुनाता हूँ ना आपको आके मेरे गाने जबकि आई एम आई आई एम डाइंग टू वर्क विद हिम पर मैं उनको बोल नहीं पाया क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कुछ बिजी देसी म्यूज़िक फैक्ट्री में और इतना नॉन फिल्म सिंगल्स में इतना था बट नाई आई फील कि अब मेरे को वो अप्रोच करना चाहिए और प्यार से बोलना बिकॉज मुझे लगता है फिल्म म्यूजिक अभी फिर से वो टाइम आ गया है जब फिल्म म्यूज़िक और नॉन फिल्म म्यूजिक में एक खाई बनी रहेगी फिल्म म्यूज़िक का रीच ही कुछ अलग है तो भाई हम लोग ने एक सेक्शन है आज द गेस्ट तो हम सोशल मीडिया पर डालते हैं कि ये गेस्ट हमारे साथ शूट करने आ रहे तो कुछ लोगों ने सवाल है मैं सवाल पढ़ता हूँ पहला सवाल है कि अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के साथ एज अ म्यूज़िक कम्पोजर आपको काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था ओके okay. तो अरिजीत और श्रेया ये दोनों ऐसे टैलेंट हैं आ, कि इन ये आपका काम आसान कर देते हैं आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है अगर किसी को सिंगर बनना है तो वो अरिजीत भाई को और श्रेया जी को सुन ले वो सिंगर ही बहुत अच्छा बन जाएगा बिकॉज इनकी गायकी बहुत कुछ सिखा देती है इनके गाए हुए गाने आप सुन लो आप ट्रेंड वही जो हम लता जी और मोहम्मद रफी सर के लिए बोलते थे वही वाली बात है या आज के मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर uh, है लिखा है एक ने रिक्वेस्ट किया कि वी वांट मोर एंड मोर सॉन्ग्स लाइक वादा हम बिल्कुल बनाऊंगा वादा इज आल्सो या मेरा भी बहुत फेवरेट है नेक्स्ट uh, है कि व्हिच आर हिज व्हिच आर योर फेवरेट फीमेल सिंगर्स इन टुडेस टाइम डेफिनेटली श्रेया घोषाल बहन दोनों बहनों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो तो, तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहेंगी उनको तो कोई जुदा नहीं कर सकता श्रेया घोषाल चिन्मई की भी आवाज मुझे बहुत है चिन्मई सुन पड़ता वो बहुत बहुत उनका मराठी गाना वो सायरा का बहुत पसंद है मुझे और सुनी थी सुनी थी मैम बहुत ही क्रेजी मतलब अगला है कि कोका कोला क्यों पेप्सी मिरिंडा रेडबुल या मॉन्स्टर भी तो हो सकता था हो सकता था पर अगर वो राइम उतने अच्छे से होता because Coca -Cola has that vibe. तो बिकॉज कोका कोला हैज दैट वाइब भैया सावन जैसे गाने क्यों नहीं लिखते आई लव योर लिरिक्स इन रोमांटिक सॉन्ग्स लिखता है आप लोग सुनते कम हो आजकल क्योंकि इन गानों को फिल्में चाहिए होती है आप थिएटर में जाके सुनते हो दो चार बार इनका प्रमोशन अलग लेवल पे होता है ना तो ऐसे सब गाने मैंने बनाए हैं तुम लोग अच्छे से सुनते ही नहीं हो बहुत बनाए हैं आप गले लगाना है सुनो आप मेहरबान सुनो जो कि सोनू दीदी ने और अभिजीत श्रीवास्तव अमेजिंग सिंगर उन्होंने गाया है वो सुनो फिर आप काश सुनो आप देख लेना सुनो बहुत सारे गाने हैं आप टोनी का स्पॉटिफाई पर प्लेलिस्ट है उसमें काफी ये सब मिलेंगे सुन लो बारिश के आने से अभिषेया जी के साथ जो नया गाना रिसेंट yeah. वो भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है तो यही फिल्म में होता तो और बड़ा हिट होता बात वो डोट डिफरेंट बीट एंड फ्लो Hey, um, शायद आपने, <laughs> <laughs> आप उनको ये सुने जा रहे हो बार बार जितने भी आपके फैंस हैं आप क्या चाहते हो कि वो आपके बारे में वट डू दे इमेजिन यू और दर्टिस्ट टोनी कक्कड़ फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा और आई थिंक वो देखो सबसे पहले तो वो इतना ही कर दें कि मेरा जो भी गाना रिलीज हो वो पांच बार सुन ले और उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर ले उतना सैम्पल साइज इज मोर देन एनफ टू मेक द सॉन्ग सॉन्ग गो वायरल और यू नो नॉट सो वायरल म्यूजिक कंज्यूम करें दैट्स इट क्योंकि अगर मुझे पता मेरा म्यूज़िक कंज्यूम करेंगे तो उनके दिल में रिस्पेक्ट आएगी और उनके दिल में उस क्रिएशन को लेके एक समझ आएगी जब पार्टी करें तो जितने पार्टी टाइप के नंबर्स हैं मेरे वो सुन लें और उन पे तुमने क्या फ़ील किया था क्या तुम पागल हुए जा रहे थे तुम यू you नो know, गिरे जा रहे थे वो याद रखें कि ये फीलिंग आपको टोनी कर करके म्यूजिक ने दिलाई और जब लव और सैड सॉन्ग सुने तब तुम्हारे को कितना हील किया ये याद रखें कि ये टोनी के म्यूज़िक ने हील किया और बस म्यूज़िक कंज्यूम करें दैट इज़ मोर देन अनफ और बाकी बस दुआओं में याद रखें ये सोचे कि ये बंदा खुश रहे बंदा अच्छा रहे बस आई थिंक और क्या और मैं तो ये बहुत ज़्यादा चाहता ही हूँ कि तुम लोग इतने खुश रहो मेरी भी उम्र और मेरी भी सब कुछ तुमको लग जाए मेरी भी खुशियाँ इससे कि तुमको मिल जाए बिकॉज आप लोग इतना सपोर्ट करते हो कि आई गो इमोशनल मतलब मैं पागल हो जाता हूँ जब इनका सपोर्ट देखता हूँ और ये हर बार तो हर कोई बंदा उतना स्ट्रांग कोई फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है कोई मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है कोई यू नो हर इनके खुद के भी गम और अपनी ज़िंदगी है उसके बाद भी मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो ये सपोर्ट करने आ जाते हैं इतना प्यार देते हैं इतना मैं बोलता हूँ ये पूरा क्लान ही कमाल है टोनी भाई मैं ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़ा आया और मैं वापस बोलूँगा जो स्मर्क है ना आपके फेस पे बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसा लग रहा था कि हम लोग स्कूल कॉलेज के टाइम पे जो चिल आउट सेशन होते थे ना लोगों से बात होती थी वैसा लग रहा था और आपने बहुत ब्लंटली बात की आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जो फॉर श्योर लोगों के काम की है और बहुत फायदा होगा उनको इस पॉडकास्ट से अगर किन्हीं को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ में यूज कर पाए तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर बोथ ऑफ ऑफ अस अस एंड ऑल थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच रियली हैप्पी कि मैं आज यहाँ आ पाया आपसे बात कर पाया आप आपसे बहुत कुछ कहे और बिना कहे सीखते हैं बहुत सारे लोग और मैं भी उनमें से हूँ सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी थैंक यू